आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन फॉर्म डाला था और आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा था, आपका आवेदन पेंडिंग में चल रहा था और आपका फॉर्म पेंडिंग से बाहर नहीं आ रहा था और आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा था, इसकी वजह से आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ होता है वो आपको नहीं मिल रहा था, आपके खाते में पैसे नहीं पहुँच रहे थे और आपको काफ़ी समस्या हो रही थी। दोस्तों अब क्या हुआ है, पीएम किसान पोर्टल का न्यू अपग्रेड वर्जन आ गया है। अब पीएम किसान के जो भी किसान भाई था, जिनके भी किसान भाई थे, उनका फॉर्म पेंडिंग अप्रूवल या स्टेट लेवल चल रहा था या डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा था या ब्लॉक लेवल दिखा रहा था, तो उनके भी फॉर्म अब वेरीफाई होने लगे हैं या उनका भी फॉर्म रिजेक्ट होने लगा है। यदि दोस्तों अपने फॉर्म में जब ऑनलाइन आपने फॉर्म आवेदन किया था तो आपने लैंड शेडिंग अपलोड किया था, लैंड शेडिंग का मतलब आपने इंतकाब या खतौनी अपलोड किया होगा, तो आपका फॉर्म जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, लैंड शेडिंग अपलोड नहीं किया है, तो आपका फॉर्म लाजमी आपका रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद में आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे से लैंड शेडिंग अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, तो आपका फॉर्म भी पेंडिंग से अब अप्रूवल होने लगा है। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है और उनको आपको एक एरर शो करने लगा। जब आप अपना पीएम किसान पोर्टल पर जाएंगे, जब अपना स्टेटस चेक करेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, सेल्फ स्टार्ट बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे, तो आपको यहाँ स्टेटस में एक एरर देखने को मिलेगा और आप फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑफ पीएम किसान पोर्टल, मतलब इनका जो फॉर्म था वो पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गया है, दर्ज हो गया है, प्लीज चेक योर स्टेटस, मतलब आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं फार्मर कॉर्नर पर जाके और अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस में जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, मतलब इनका जो फॉर्म था वो फुल तरीके से वेरीफाई हो गया है। दोस्तों फुली तरीके से इनका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो गया है। यदि आप अपना भी स्टेटस चेक करते हैं और आपके स्टेटस में भी आपको यह मैसेज शो होता है, तो मतलब आपका पीएम किसान पोर्टल पे नाम रजिस्टर्ड हो गया है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होगा वो मिलने लगेगा। यह आपके पोर्टल पे जब आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, तो कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं उनके स्टेटस में अप्रूवल बाय स्टेट एंड टेकन फॉर फर्दर प्रोसेस दिखाता है। दोस्तों यदि आपका भी बेनिफिशियरी स्टेटस इस प्रकार दिखाता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ दिन का वेट करें। यदि आपका अप्रूवल बाय स्टेट से हो गया है तो गवर्नमेंट का जो भी होगा लाभ वो आपको प्रोसेसिंग में चल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म है फर्दर प्रोसेसिंग दिखाता है, मतलब आपको फॉर्म प्रोसेसिंग में चल रहा है, आपका स्टेट वाइज से अप्रूवल मिल गया है, आपको वेरीफाई फॉर्म हो गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन का वेट करें। उसके बाद में आप जब अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद में आपको यह मैसेज शो होगा कि फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड पीएम किसान। दोस्तों यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यह मैसेज भी शो करने लगेगा। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म अभी तक पेंडिंग में चल रहा है, पेंडिंग से बाहर नहीं हो रहा है और अप्रूवल नहीं हो रहा है। दोस्तों हम बता दें, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने 2020 में फॉर्म अप्लाई किया था या 2021 में किया था और उन्होंने लैंड शेडिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अपलोड करना भूल गए। पहले दोस्तों जो पीएम किसान पोर्टल था वो उसमें हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को था वो अपलोड नहीं होता था, अपलोड करने का कंपलसरी कोई ऑप्शन नहीं था और डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आता था, उसकी वजह से हमारा जो फॉर्म था वो अब इस प्रकार रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले हमारा फॉर्म चल रहा था पेंडिंग में 1-2 साल, अब जो हम अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो हमारा लैंड सीटिंग की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों जब आप 1-2 साल का वेट करेंगे फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है कि आपको लैंड सीटिंग की वजह से हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई फॉर्म में गलती कर चुके होंगे, कि हमने कोई लैंड सीटिंग या डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए, उसकी वजह से हमारा फॉर्म गलत हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका जो पीएम किसान पोर्टल था वो पहले अपग्रेड वर्जन दूसरा था, अब अपग्रेड वर्जन दूसरा है। पहले ऐसा था आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता था, अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है और जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे फुली तरीके से कर देंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होगा वो मिलने लगेगा। अब दोस्तों हम बता दें, यदि आपके भी फार्मर हैज ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिख के आ रहा है, रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल आ रहा है, जब आप अपना पीएम किसान पोर्टल बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 2 कॉलम होंगे, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको नजर आ जाएगी, आपको सेकंड में एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाएगा और सेकंड और थर्ड में आपको मिल जाएगा लेटेस्ट जो इंस्टॉलमेंट डिटेल्स होगी, जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ होगा वो आपको यहां से नजर आ जाएगा कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होता है वो कितना मिल रहा है। दोस्तों हाँ, यदि दोस्तों आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं
तो आपको लैंड सेटिंग यस दिखाता है, एकेवाईसी डन दिखाता है, आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखाता है। दोस्तों यदि आपके भी यह स्टेटस शो कर रहा है, आपका लैंड सेटिंग नो दिखा रहा है या आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, तो दोस्तों अभी आपको कोई प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज़ इस पर 15 दिन का वेट करें, और 15 दिन के बाद में भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यह लैंड सेटिंग के संबंध में आ रही है या आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग के संबंध में आ रही है, तो उसको भी आप जान सकें। यदि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग के संबंध में आ रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है पैसा अभी भेजा नहीं गया है। दोस्तों जो ऐप टू प्रोसीड दिखा रहे हैं इसका मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर होता है, मतलब आपका जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है पीएम किसान सम्मान निधि का जो फंड होता है वो अभी ट्रांसफर नहीं किया गया है, उसकी वजह से आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट नॉट लिंक भी दिखा सकते हैं और आपको यहाँ आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी नो दिखा सकते हैं। यदि आपका सेम यही प्रॉब्लम आ रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप कुछ दिन वेट करें, 15 से 20 दिन वेट कर सकते हैं, उसके बाद में आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो कंटिन्यू आपको मिलने लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में, जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, यदि आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आप कुछ दिन का वेट करें। यदि आपके फॉर्म में अप्रूवल बाय स्टेट एंड टेकन फॉर फर्दर्स दिखा रहा है या आपके फार्मर हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल दिखा रहा है, तो आपको दोस्तों कुछ दिन का वेट करना चाहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको कुछ दिन जब वेट करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में पीएम किसान सम्मान निधि जो स्टेटस हम चेक करते हैं उसमें आपका जो फॉर्म होगा कंटिन्यू लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद में आप अपने फॉर्म की स्थिति देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, यदि प्रॉब्लम है तो उसका सुधार क्या है। यदि आपने न्यू फॉर्म डाला होगा तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, तो आपको जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी वो आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखेगा। दोस्तों ठीक है, यदि आपका भी आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहां से क्लिक हेयर पर चेक कर लेंगे कि हमारा जो डीबीडी है इनेबल है या चालू है डिसेबल है। दोस्तों यदि आपका डीबीडी डिसेबल दिखा रहा है तो आप क्लिक हेयर पर कर लेंगे, तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ओटीपी डालेंगे और उससे पता चल जाएगा कि आपका डीबीडी कौन सी बैंक में लिंक है या नहीं है। यदि आपका एक महीने या दो महीने से भी आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है तो इसका ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन ठीक नहीं होता है दोस्तों तो आपको न्यू खाता खुलवा लेना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा लेना है। जब आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो फास्ट सर्विस होती है तो बहुत फास्ट सर्विस होती है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होगा वो 100% आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। और आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा दोस्तों आपको पता होगा कि एक किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका 2019 में रजिस्ट्रेशन है तो इन्हें कितने पैसे मिलेंगे। आपके मन में विचार आता होगा दोस्तों कि हमने 2019 या 2020 में एक रजिस्ट्रेशन किया था पीएम किसान सम्मान निधि का तो हमें उसमें कितना लाभ मिलेगा। हम बता दें दोस्तों यदि आपने 2019 या 2020 से कोई रजिस्ट्रेशन किया है, जब से रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपको 2019 से आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया है एग्जांपल के लिए, तो 2019 से जो भी किस्तें बनेंगी, मतलब इनकी जो किसान भाई हैं उनकी 13 किस्त बनी 2019 से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो इनकी 2013 से इनकी 13 किस्त बनी, मतलब इनका 26,000 रुपये बन गया। जब इनका जो 26,000 रुपये बन गया तो इनका जो ट्रांसफर होगा, जो गवर्नमेंट का जो लाभ होगा, फंड ट्रांसफर होगा इनके खाते में, तो इनका जो 13,000 का मतलब दोनी 26,000 रुपये इनके खाते में एक ही बार में आ जाएंगे। दोस्तों यदि आपका भी यहाँ किस्त बन के 2 या 4 या 6 आ रही हैं तो मतलब आपको जो पेमेंट होगा वो इकट्ठा आपको दिया जाएगा, पिछला जो पेमेंट आपको नहीं मिला है जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जब से आपको पेमेंट नहीं मिला है तो सभी पेमेंट आपके खाते में भेज दिया जाएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपका भी फॉर्म खुलने लगा पीएम किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी स्टेटस में, आपका भी यह फॉर्म ऐसा स्थिति में आ गया है, तो आपको यहां से कुछ दिन सब्र करना चाहिए और सब्र करने के बाद में आपको यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें दिख जाएंगी। उसके बाद में आपको यहां से सभी डेटा शो करने लगा कि हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में चल गया है या पेमेंट जनरेट हो गया है। जब आपको पेमेंट आ जाएगा तो आपको इस पोर्टल पर नजर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।